फिर वो बर्फ पर खलना भी ना नामुमकिन हो गया वह बूट। जिस एरिया से जा रहे हैं दस दिन में कुछ टाइम भी अचानक बर्फ पड़ सकनी है। जान भाई ये छापरे क्या कर सो आज पांडा शांडा को आगे उम्मीद करना सो सारे वालो सो मैं इरफान जफर तुसा तक रहे कश्मीर टीवी। जनाबे वाला जिस सफर ने शुरुआत जिस सफर ने स्टार्टिंग निकी ईद तू बाद हुई सी वो सफर आज नी वीडियो विच लगना के वो एंड हो जासी के ए अपने फाइनल डेस्टिनेशन जड़ी इन्हों है इसने कोले पुजी आए न ते शायद आए नी दिन असा सफर करा ते असा अपनी फाइनल जगह पुजी जा यानी कि नारन कगान ने नाल ही अगे जिथे ये बेहने जिथे ये पक्के गर्मियां पूरियां कढ़ने आखिर अज वो दिन आई गया वै कि मैं उम्मीद है कि अज असा अपनी जगह पुजी जा सा और अज असा अपने सफर ना एहतमाम कर सा इसी मुकम्मल कर सा। आओ तको कि पूरे दिन ने सफर किस तरह ना रहना बाकी सारिया गल्ला इंशाल्लाह अगले व्लॉग इच करने हैं। इसलिए मैं बटाकुंडी हाँ नारन कागान तू अगे एक जगह ते चार फेरिया इतें तुसा कि मैं व्यू दसना वा ते जरा उसकी तुसा तको ये जेडे घर पे तकड़ लगे उस मकामी लोगों ने पत्थर ने बनते भी इतने मकान ज्यादातर जेडे ना पड़िया ने पत्थर ने रोड भी तकने उसो ये थले बाड़िया शाड़िया इन्हें आपे बनाई क्या कुछ इन्होंने बिच राह आया वै बाकी सामने ग्लेशियर तक ही सकने तुसा और इस साइड ने अपर भी बहुत सारी बर्फ ते ग्लेशियर पिछे मौजूद हैं वह भी मैं तुझे दसना वा। इसलिए असा ना इतों समान पे पैक होने लगे आवे तकने घोड़िया पर इतों लसा घोड़िया पर असा लदसा तो फिर असा अगे जड़ा वै ना अपना सफर ये शुरू कर सा। ये जरा पानी चो तकन लगे होने ये ग्लेशियर ना पानी है ये तकने सो ये सारे ग्लेशियर आले नालिया में जमे ताकि तो स्पीड पानी आ ही रहा तक ग्लेशियर ने थलो ट्रुपिया बर्फा गलन लगी है जितनी उस बर्फा उपर पे तकन लगे हुए है। दादा जनाबे वाला साढ़े खोतो शो तो आई गए कैसा नहीं ना कि आई लदसा ते घोड़ो भी आई गया वै मस्तानी भी आई गया जनाब इन्हें कि हूँ इतू लदसा तो अस अगले सफर की तरफ लिकट सा। आखिरकार जनाबे वाला सफर तक ने सो शुरू हो गया दोबारा इन्हें ना अगे ना समान शमान लदी गया तो टुर पे हाँ माशाल्लाह जी सफर तो शुरू हो गया वै मैं स्कूटर भी ना लांदे आ वै तो पूरे सफर भी स्कूटर इस्तेमाल नहीं किया तो राती आंदा वै तो वह पेंचर हो गया वै हूँ अगे अगे जासन तो मैं उसी पेंचर लवाई क्या बाद ही जनाब वाला इन्होंने नाल अच्छा पूरे सफर में सिर्फ दो बार स्कूटर ने मैं इस्तेमाल किया वै एक बार जब मैं घर गया सा तो एक बार जल पिछले व्लॉग मैं जल्दी वापस अचना सी इन्होंने कोल अगे सफर दसने वास्ते लेकिन जल्द मैं इस मंजिल ने उपर पुजी चुकिया वा तो राती स्कूटर जनाबे वाला जवाब दे गया वै उन्हें टायर पेंचर हो गया। ओवरऑल वैसे मैं इस पहले कश्मीर ने टूर भी किया नहीं को मसला होया स्कूटर ही लेकिन एन मंजिल पर अच्छी गया तो जनाब पेंचर हो गया हूँ उसी जा रहा पेंचर लवासा तो इधर थले दर जा रहा फिर बाद अपने डेरे ने कोल पुजसा तो तुसा कि दसने आज के उम्मीद है साड़ा सफर जरा ना फाइनल हो जा इंशाल्लाह असा वापस जरा वै बटाकुंडी वाली साइड जा रहे हैं तो यदा रोडो रोड पे भी हैं जनाबे वाला अगे तकड़े सो बर्फा ना पानी भी आई रहा वै
इसकी असा हूँ पैदल क्रॉस करना वै गड्डिया का तो मसला कोनी लेकिन टूरी क्या या स्कूटर वास्ते बहुत बड़ा मसला वै इयै जे कट्ठिया की रोड पर पार करना सारा बंदा सिज्जी जाना हर जगह इयै जे कट्ठे न जिन्हें कि स्कूटर पर तो और खतरनाक है ना पार करना जिथे स्कूटर ढेई पिया ना उत्थें समझो समान कपड़े हर चीज़ साड़ी जड़ा वै गई कई जगह कल मैं ट्रेन ला सा सौ पिछले ब्लॉग ही तकिया भी उसी बहरहाल सवेले सवेले ठंडे पानिया मज़ा बर्फा लेना क्रॉस किया कपड़े अद्धे सिज्जी गए बहरहाल कोई नहीं हूँ सफर ने बिच ये चीज़ा तो लगिया रहनिया ना जी जनाब हूँ जिथे असा स्कूटर राती छोड़िए गए सा अपना इतों अगे खड़ सा बटा कुंडी इसकी लेकिन पहले बटा कुंडी खड़ने से पहले साड़ी आई काफ़ी दिहाड़ जी है ना औखी गुजर सी स्कूटर टोरिया खड़ना है कोई पाँच छः किलोमीटर तो इस वजह तू असा सोचा कि मस्त या नाश्ता करने हैं तो फिर जड़ा वा ना जुलने कहने बगू साहब भाई आज सारा सफर खत्म हो गया सी इंशाल्लाह आज खत्म हो गया सी तो आज आखिरी सफर है आखिरी सफर है जी बबलू साहब आख छोड़िया माड़े नाल जुदा हुई की है जैसे लग सी यार ये बड़ी मुश्किल लगनी है मैं ना जो लोग कोई धड़े ज्यादा नहीं हफ्ता एक तेरा हो ना ए आने जी सारे ही है बंदे आने माड़े भी दिले नहीं आई कैफियत ही है बड़ा मुश्किल लगना मैं ढाई महीने ऐसा सफर गठियों के ताव है जिसने जी एक बार सिर मैं घर गया वहाँ ते इन्होंने प्यार मोहब्बत माड़े नाल कितनी रही है किस तरह रही है वो मैं अगर फिल्म चाह जुली गया इंशाल्लाह तो सो सारे एक्सप्लेन कर सा हूँ नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं तो फिर नाश्ता करी अगे जुलने सारा जनाब नाश्ता तकने सो आई गया वै गर्मा गर्म नाश्ता हाफ फ्राई और जनाब वाला त्रै परांठे त्रै दो अच्छा एक इनिया छो और ना ए तकने उस हूँ कर रहे हैं नाश्ता जनाब सवेले सवेले ये बर्फ आले पहाड़ ये मस्त जनाब वाला परांठे हाफ फ्राई ओए होए 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 क्या बात है नाश्ते नहीं वैसे तो मैं नाश्ता असा सारे एक चाह ने कप्पे ने उपर ही करने होने आ ते चाह ने कप पी के ते पैदल मुड़िए टुरने होने आ लेकिन अज मैं सोचा कि अज सीन होर है ते इस वजह तू नाश्ता जड़ा ना ये सवेले सवेले करी नहीं आ जनाब राती असा होटल पर इसी पहाड़ू के शहजादे की बनी के गए असा इत्थे तकने उसो वो ये नसी ना जाए इस जुम जे बंगोना बारा बाकी तो नवा वै ए लेकिन टायर को राती फारग हो गया वैसे हूँ इतू खोलने तो जोलने इस साइड ने अपन जनाबे वाला जाहिर है पहाड़ू का शहजादा इस बड़ा खराब किता आज है हूं बटा कुंडी ही निकल ले जाने असा ओ जी जनाब साढ़ा 1-5 बिल्कुल तैयार पहाड़ू का शहजादा दोबारा इन्होंने पहाड़ा ने खूबसूरत सफर वास्ते ना तैयार हो गया वे एक किल लगे आसी इसकी मारो पढ़ो ए तकने सो चुगनिया पियाँ माशाल्लाह कितने खूबसूरत अंदाज लेकिन उस तू ज्यादा खूबसूरत तको पिछे बर्फा वाले पहाड़ ते कट्ठे आई रहे जनाब बड़ा कट्ठा आई रहा वे इधर अगे बाबूसर टॉप जगह वे अछनी उधर भी असा दिहाड़ी जासा तको माशाल्लाह कितनी पड़ा रौनक लाई भी है लो जी जनाब माशाल्लाह सवेले सवेले ना मॉर्निंग व्यू तको हाँ साढ़े कैंपे चू लिखने साथ कैसा खूबसूरत मंजर है इसलै बर्फा वाले पहाड़ और नाल ही तको के कितना खूबसूरत दरिया इसलै जाई रहा दरिया नहीं बल्कि बर्फा ना पानी आई रहा वैस कट्ठे ने विच इस साइड ने अपरों इस टाइम असा जलखड जगह इसना नाम है जिथे असा मौजूद हाँ नारन कावान तो काफ़ी अगे वा बाबूसर टॉप तो पिछे वा अज ना सफर बहुत खूबसूरत हो सी और ये वीडियो जी है इसने विच सफर ने इंशाल्लाह एंड कर सा फाइनल जिथे ये पुजने अल्लाह पाक खैर की वह जगह भी तुसा की दसा तो चलो अज ना सफर इंशाल्लाह शुरू करने जलखड जगह वै
जी जनाब माशाल्लाह पुल क्रॉस करी आया हूँ अगे इधर तकने सोसा जाना मैं इस वादी ली साइड इन्हें पहाड़ा की चढ़ना मैं अज असा इंशाल्लाह असा पिछे अच्छी गया तो स्कूटर इक जा मैं तो बगड़ू साहब छोड़ दिता वै कुछ बंदे अपने जानने ले इन्होंने क्या कि असा अगे जा ही रहे तो बगड़ू साहब ये दसो जी अगला इलाका की है जहा बड़ा खूबसूरत इलाका मैं कश्मीर बिच फिर पाकिस्तान का हर इलाके बिच फिर ठीक है लेकिन जो जहाँ खूबसूरत इलाका है असि जा रहे हैं जा किसी जगह बिच भी नहीं देखे ये आने जी भाई क्या कि सारी जिंदगी इन्होंने जी सारी जिंदगी गुजरी है सफर ची गुजरी है इन्हें कश्मीर ने भी सारे रंग तके जगह तकियां तो ये नारन कगान नॉर्थ पाकिस्तान भी बहु रहे लेकिन ये आने में जिस साइड असं हूँ जा ही रहे हैं ना जिते सफर एंड करना मैं उ जहा कुदरे भी खूबसूरत इलाका ये आने के नहीं तकिया कितना खूबसूरत है किस तरह ना अज क्या क्या सारा फाइनल सफर जारी है इंशाल्लाह इसे वीडियो एंड भी करना मैं तो तको फिर कि हूँ किस तरह ना सफर अगे ना होना सामने पहाड़ पे तकन लगे होने इतने साड़िया भड्डा सारा समान तो घोड़े सारा कुछ असा इतू कुदरू उपर असा इतू कुदरू पार होना कट्ठे की पार कर सा तो फिर उत सीधे उपर जासा अपने छुगे को मतलब अपने डेरे को क्या कि इधर अगे असा इन्हें बर्फा वाले पहाड़ा जाना वे इसलिए माशाल्लाह तक कितनी ज्यादा खूबसूरती है घा नहीं पानिया नहीं जगह जगह ही है जो कट्ठे पे चलन लगे हुए जिन्हें कि असा आता पे पार करके जान लगे हुए हाँ अगे लेकिन अगर बहुत बड़ा कट्ठा आई रहा जिसकी असा पार करना वै डोली च बेई के हूँ असा उस साइड ने अपर जान लगे हाँ जिते पानी बहुत ज्यादा तेज है तेज पे चलन लगे आ बर्फा ना पानी तो असा हूँ डोली च बेई के तो डोली की पार कर सा कैसा रहा सफर इस पहाड़ा ने अपर असा हूं चढ़ना मैं तो बगड़ू साहब ओ उपर साड़िया भड्डा दसिया ने इतना असा इन्होंने कोल जाना मैं तो कहो जनाब थला एरिया जो जो हूं उपर चढ़ता तू तू खूबसूरती और नवे तू नवे पहाड़ दसने जा सर आदा जनाब साड़ा कुत्ता भी आई गया इधर खान जान भाई भी आई गए आओ जी खान जान भाई ठीक हो इधर अपर तक कोई सौ तक कोई घोड़ा वै जरा चुगन लगे आवे पिंडली साइड बहुत ज्यादा एक्साइटेड हाँ मैं अपनी लास्ट डेस्टिनेशन आखिरी मंजिल की तकड़े वास्ते जिस वास्ते ढाई महीने हर तरह की तकलीफ तकी है कि वो आखिरी मंजिल आखिरी ने किया जी उसी कितनी खूबसूरत उसी उसने अंदाजा तब से पिछली वीडियो च होने लगे उसी कि कितनी ज्यादा इंतहा नहीं खूबसूरती की साइड पर जान लगे असा तो इं शायद ही कुदरत दुनिया जगह उसी जितनी खूबसूरत जगह तकन लगे और मजीद अगर तुकी मैं नालों नाल दसना जुलना पाया तकड़े उस कितनी ज्यादा बर्फ है पई भी
ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਾਲਾ ਬਰਫਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਬੱਗੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬਰਫਾਂ ਨੇ ਅਪਰੇ ਅਪਰੇ ਜਾਈ ਰਿਹਾ ਤੱਕੀ ਕੇ ਨਾ ਬਰਫਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਹਮ ਬਾਹਰ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਹਾਰ ਸੈਡ ਇਹ ਤੱਕੋ जुलिया से मैं बिल्कुल बर्फा पर खलना भी ना ना मुमकिन हो गया वह बूट उ गल हो थोड़ा थले थले हो जाओ नहीं लगे रस्ते तकने सो बहुत ही ज्यादा खतरनाक रस्ते इन्हें राह सारे घोड़े अगे टूरी के गए हाले साड़ा सफर अगे काफी रही गया वै लेकिन दिहाड़ी ने हाले एक ना टाइम होया इंशाला सा आज अपनी मंजिल तक पुजी जा सा पूर उम्मीद हाँ इंशाला तो बगू साहब दसो तुम कितना टाइम होया इतना अछनी इतने तो बड़ा अरसा हो गया जी इतने मां याद ऐसे एरिया बच आने बिच वासी शार्ट कर गया वो भरते बस सही ता बट उस एरिया बच चले गए अच्छा दियो साई तो तू बट भी जाने रहे हो बिल्कुल उधर भी जाने रहे हैं ते उन पक्के इधर अछने हो उन पक्के इधर अछने ते दसो ये लोका नहीं जमीना नहीं या वैसे गवर्नमेंट राई एरिया ना ना ए लोका नहीं है सही ता लोका नहीं है जमीना ने ते वैसा सी सीजन ना मालिया देने हो ना अच्छा सीजन ना सोकी खरीदना पेना हां सीजन जितने भी यानी बकरवाल इधर अछने उन साहब 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 खरीदना पेना खरीदना पेना ते ए दसो इधर केड़ा केड़ा जानवर है तुसा कदे तकिया आवे जदू ने इधर अछण लियो बाहर दी बकरियां छकरियां तकने रहे हैं वो कुछ अरसे पहले हूँ ये शिकार शिकार पता नहीं उन्हें लोग करने ने या के हूँ ये जमीन मानी नजर आई है ना रिच शिच इधर आया रिच है कदा आया वह इस जगह जिथा सा जा रहे हैं हाँ जी कई बार आना रहा है आना राती रहा है बड़ी ख्वाहिश थी पूरे सफर विच वह रिच या शेर उस आमना सामना वह लेकिन हाले भी मैं पूरी उम्मीद हाँ वह इंशाला जरूर आमना सामना उसी कदे ना कदे जंगली रिच है ना तो साड़ा इन्हें जिसा के दस्या वै कि जिथे असा जाई रहे बहुत ही खूबसूरत जगह वै ते तको फिर असा इंतजार पे करन लगे साड़ियां पड्डा आले पहाड़े लमने पर वो बर्फे ने अपने राह रो सन फिर चाह भी अगे उसे बनाई के दसने पी के ते इंशाल्लाह आज शाम तक उम्मीद है कि ये जर्नी जड़ी है ना असा आज मुकम्मल करी गए जान भाई ये छापरे क्या कर सो पड बड़ी औखी काबू की काबू ही नहीं होने लगी भी बर्फा ने अपर ही असा है चोई किन्ने क्या चाह सा रखी असा ते हूं इन्हें की पार कर सा उस तू बाद जनावे वाला पार राम नाल बेही कह दे सोहनी जी पड्डा ने दुधा नी चाह पीसा इन्हां ने मुकाबले विच मैं चैलेंज आना मैं किया गया मजी ने दुधा नी चाह पीती गाय ने डिफरेंट मसाला चाह पीना रहा काफी टेस्ट लेकिन जेड़ा पड्डा ने दुधा ना टेस्ट है ना या बकरियां ने दुधा ने चाह ना टेस्ट इहे जिहा टेस्ट कुदरे भी नहीं गुल भाई को आधा किलो लिगड़ी अच्छी हां जी पूरा किलो भी निकलना है बस इस टाइम आधा किलो नाली काम चलाने हैं हां थके हैं बस इस टाइम आधा किलो नाल गुजारा कर सा इंशाल्लाह कदा तुसा नहीं पड बर्फन विच फसी गई आवे कदा फसी जान बर्फन विच पड हां जी फसनी है ते क्या होना इला फसी जान कढ़ने होने मरी जानियां या क्या फेर करने हो ना कट दे कढ़ने हो तो घोड़े ही फसने बर्फ च इस वजह थू ना टेस्ट सही हो जी भड्डा बर्फा ने अपरन खान जान भाई उथू सीटी मारसन ते सारियां जेड़ा ना बर्फा ने अपरे अपरे मगर टूरी पियान बहुत तेज हवा आवे
बड़ी बा मुश्किल भी साड़ी चाह पकन लगी हुई है। कहने ओ बगू साहब भाई आज नहीं जड़ी चाह पकनी है स्पेशल होनी चाहिए है। इसने तो और साथ सी क्या के सफर आज साला एंड होने लगा है। एंड द सफर है चाह पे बड़ी मजे नहीं पकी है आज आखिरी लेवल नहीं जनाब वाला है चाह में की प्यालसन है क्या हाय 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 असा खुशी मनाए रहे हैं जनाबे वाला चाह ने नाल दुधपति ता मजीद फिल्मा ने एंड पर तुसा की और भी चीजा दसा के इदी बाद सारा क्या क्या प्रोग्राम है। फिलहाल ता जनाब चाह पियो ना तुसा सारे भी। लो जी जनाब बगड़ू साहब ने हथा नहीं आखिरी लैवल नी चाह जनाब इे जी चाह ना तकी ता ना कदा पीती ता हूँ पीसा तो पता लग सी। ओए होए 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 चशनी मैं ना जी बगड़ू साहब इे जी चाह सारी जिंदगी मैं नहीं पीती पंजान सही दिस बड़ी कड़क चाह है बहुत कड़क चाह आज पहली बारी पूरे सफर है बगड़ू साहब चाह खुद बनाई है इस तू पहले इन्होंने निके बनाने रहे या और ते आज पहली बारी ना अपने हथा नाल पलाई है चाह मैं ना जी ए आखिरी चाह कद जिंदगी नहीं भुलन ली बगड़ू साहब मेकी और तको सही दुध भी तेज रखे ने चाह बिच आ हा मजा आई गया जनावे वाला। तकड़े हो सो कितना सोना चश्मा चली रहा वै यो जगह वै जिता खूबसूरती खुद बोलनी है अल्लाह ने कुदरत बनाई हुई की कोई लफ्ज नहीं जरूरत नहीं इतना कुदरत खुद बोलनी है बस तकने जाओ जैसा खुद कैसा नाम समझी जासो के वाह सोने अल्लाह जिसे ब्यूटी बनाई है। माशाल्लाह जी बैकग्राउंड ही तकने हो सो इतना खूबसूरत बर्फू ना पुल बनते आवे ए दसो बगड़ू साहब भाई इत्थे 12 महीने इसे तरह मतलब बर्फ रहनी है या गली जानी है पंजे दौर जी गलनी शुरू जुड़नी अच्छा पंजे महीने जी गलनी है चौथे पंजे दौर शुरू ते मुड़ी कद इस तरह होया वे के 6वें 7वें 8वें च एकदम बर्फ फिर पई जाए पै जानी नहीं पिछले साल ने दड़े में इतनी बर्फ पई है बड़ा नुकसान भी है। अच्छा अच्छा ना माल नुकसान है आसाना भी है और लोगों ना भी बड़ा काफी नुकसान होया ए जिस एरिया जैसा जा ही रहे हैं दस दिन में कुछ टाइम भी अचानक बर्फ पई सकनी है। बगड़ू साहब एक सवाल मैं तुसां पूछना चाहना मैं जदू ना तुसां नाल टुरिया मैं तकिया बड़ी सादगी ली जिंदगी तुसां गुजारने हो मतलब तुसां की कदे ख्वाहिश नहीं होई भाई कैसा नाम है असां ने बंगले आवन गड्डियां आवन या कि तुसां ने इयै दिल है बस सादगी नाल ही जिंदगी बस साड़ी गुजरी जाए बस यार अल्लाह राजी हो जुले ते जिहड़ी असां दी सादी जिंदगी नी असां पसंद आई है नहीं तां होर बणावां ते कोठी भी बना सकने आ गड्डी भी कहि सकने आ लेकिन सादी जिंदगी जी पसंद है जिस अल्लाह राजी होना क्या समझो सादगी ली जिंदगी में कोई टेंशन परेशानियां भी काट है टेंशन तो जहरी गल जरे रस्ते शस्ते तो थोड़ी जी प्रॉब्लम होंगे रही लेकिन जिंदगी सुकून इसे बेच बहुत बड़ी इन्हों मैं रही के चीज सीखी है कि जिंदगी फटिया कपड़िया भी गुजारन जानी है जरूरी नहीं कि ब्रांडेड महंगे कपड़े ही हो सकते जिंदगी गुजर सी रोटी एक टाइम खाई के भी गुजारा हो जाना मैं यानी कि इन्होंने जिंदगी चू इन्हों नाल टूरी के मैं वह जिंदगी सही कहती है ना कि अगर मिकी रियली च कद भुखा रहना पिया ना तो मी अल्लाह के शिकवा नहीं होने ला मी पता कि मैं सरवाइव कर जैसा अगर फटे कपड़े लाने पी गए मी पता कि ऑलरेडी बंदे इस तरह जिंदगी कितने गुजारने इन्होंने रही बहुत सारिया चीजा सीखिया नाले नाल इंशाल्लाह असं सफर करने पे नालों नाल अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी किया कि आखिरी वीडियो है दसना जुलना कुदरत तको भाई इसलै 45-46 टेंपरेचर है बाकी पाकिस्तान ने एरिया या कश्मीर ने एरिया लेकिन तको कुछ जहा टेंपरेचर 10-15 तो उपर ही कौनी बर्फ ही बर्फ इे बर्फ आम बाजारों चू लोग हिंदे तो इतना खुली डुली बर्फ है जनाब है वाला पता रहना असा फ्रिजा ने बिच लगे हुए हैं इस तरह नहीं इतना ठंडक है इसलै ये पानी पहाड़ा ने अपरू अच्छी क्या है जिदा मैं खलते हाँ इस बर्फे ने थले अंडरग्राउंड होना 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 जाइयो अगू लिखना अंडरग्राउंड हो जाना पानी इतों अपन अखा पर यकीन नहीं अछना के पता लगना कुछ और ही एक नवी दुनिया ने बिच हाँ पता ही नहीं लगना क्या कि ये मैं इस तू पहले बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग की है पूरा कश्मीर फिरया इधर फर्स्ट टाइम मैं आई रहा वहां लेकिन इतनी खूबसूरती मैं कुदरे भी नहीं तकी हकीकत गल पा दसना कि यकीन ही नहीं पे अच्छा लग्या
कि इतनी इतनी सोहनी जगह वे इधर पहाड़ा ने छपी भी जिथे के मतलब बगलू साहब पूरा पूरा सीजन गुजारने। ये तो माड़ी खुशकिस्मती है कि इन्होंने नाल में जर्नी स्टार्ट की, वरना शायद वाली गल मैं इतने अच्छा कदा नहीं। लेकिन हूँ अगे अगे इतनी खूबसूरती आई रही है ना, तुसा भी व्यूवर यकीन न कर ले कि माशाला असा को इतनिया इतनी खूबसूरत जगह भी हैं। आ तको जनाब कितना बड़ा चूहा, थोड़े जिसने कोल जुलने आ नसी गया वे, बहुत बड़ा चूहा वे, पत्थर ने बिच कुदरे बड़ी गया वे। पता ये लगना है कि मैं जिस तरह पहले भी जिक्र कर चुका कुछ और दुनिया में आए हाँ, पता लेना कि अल्लाह ताला ने ये जन्नत है और बनाई भी जगह वे तको कितनी खूबसूरत है। मेरे को अल्फाज ही नहीं कि मैं हैरान हाँ कि किस तरह अल्लाह ने जात मिकी ताकत बख्शी है। 2.5 महीने मैं सफ़र किया और आज ये मंजर तक ही कहना तजा रूह की सुकून है, क्या ही बात है। बस असा अपने डेरे को पुजने रहे हाँ तो फिर बाकी गल्ला करने हैं। लो जी जनाब आपको चाचो आ गए हो। हां जी। तो थारो के ना चाचो? मारो परवेज ना जी। तो थारो डेरो किधर? डेरो मारो है जी अपना बाद बांडा बरोज मा जी। तो इथा किस तरह पहुंचा था? यामो जी बड़ी सख्ती पे पहुंचिया जी। यामो ता प्यादो लाया ते भी मानसरा ते यामो गड्डी मल्लत के आया पेड़ा ना थे ये ता मन का गाना का इरा मार मार के पैर टूट गया रे सड़ गया तू सड़ गया। हम ना पूरे सफर में ना पहलो बंदो मिलियो जो सही शुगली बंदो। ता और चाचो कोई गल सुनाओ कदे कोई शेर ना जफोड़ा पोयो? शेर ना शेर रेस्ट ना ते नहीं हुयो जी थी पहले कूड़ नहीं कर रखता रात पायो पड़ छड़ मारिया काटो नस कियो। अच्छा हां तो कोई माल नुकसान कियो नहीं? करियो जी नुकसान अल्लाह को फजल यो 2 साल इतरी आए ते नुकसान नहीं हुयो जी। ते थारो कोल कितना का माल इस टाइम? दंगा ना सर जोर ला कैमरों के आगे आके चंगो चंगो का मुंह बंद गल सुनो। मारे को माल है 100-150 है 250 तक। अच्छा हां खोता भी दो है। ते तम केड़ा गुजर? हम अवान 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 गुजरे। टाटा बात थारो जगह अपनी अपना जगह के लोगों का जगह तो उतने आसमा कोठा बनाया। अच्छा चाचो ना भूख लगी सी? हाँ तो हम कच्चो हलवो बना के कच्चो हलवो नहीं से तो हलवो बनायो डालडो पायो सूजी करिए रती करिए लकड़ पर मान पाइए। हम चाचो के लिए ना कच्चो हलवो ले आयो। कच्चो नहीं पको है चाचो ने भूख लगी है वो कच्चो पको को चले ए तार से चले जी भूख लगी है। तो तुम इतना ज्यादा सफर कियो तो सफर में किसी लोग ने तम ना तंग कियो? नहीं करियो किसे ने तंग नहीं करियो। किसे तम ना माल चोरी कियो? नहीं करियो चोरी नहीं करियो। तम से किसी ने जबरदस्ती गुंडा ना, 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 तरीकों से पैसे कुछ भी नहीं करिया जी सोना जबरदस्त आया हम जी। अच्छा हाँ। कोई माल थारो नुकसान नहीं हुआ? नहीं वाला ने करियो नहीं हुआ तो और बीमारी शिमारी माल पाई थी रीख करे थी बात थी। अच्छा वो नुकसान हुआ ठीक ठीक। जनाब इतना मसे असा डेरे बिच पुजे सा चाचो आई गए बड़ा जनाब वाला मजा आया। मजा अच्छा जल्द खुला डुला बंदा लभे ना तुसी गल करने ला तो गोजरी चलो माड़ी कुछ पुठी सीधी है वे लेकिन मैं कोशिश करना जिंदगी चार जबान ता ही सीखन होनी है लसो कोशिश करने हो। कोई भी बंदा जबान सीख है तो अच्छा नहीं इस दुनिया ने अपर जी। जनाब तो अज ओ वक्त आई गया वे कि आखिरकार असा अपनी मंजिल पर पुजे हाँ। बगड़ू साहब दसो माड़ी तो खुशी नहीं इंतहा कोनी, तुसा नी खुशी की है जी अपनी मंजिल पर पुजी गए? आज मां इतनी बड़ी खुशी है जी अपने मंजिल तक पहुंचाया तना रात जितनिया टेंशन जितनिया परेशानियां देखे ने आज मेरे को सारा कोई भूल गया ने इस इलाके में देख के। त्रै चीजा बगड़ू साहब मैं तकिया न जड़िया मैं नोट कितिया सारे राज मीरपुर तू ही नहीं कहना इस जगह पुजने तक तुसा भी ये चीजा जहरी गल है रोजमर्रा तकने उसो के रात जिथू भी गुजरे हाँ त्रै चीज लफ्ज सुने कुत्ता चाहिए हो
खोता चाहिए दियो, लेला चाहिए दियो, ये क्या बचा? बस ये माले देख हर बंदे ये ख्वाहिश हिंदी नहीं आ रही मेरे को मां चाह दे दसाई है कोई ना कुछ मिली ना कोई ना कोई ना कोई मां चाह दे ठीक ये चीज तकने च मैं तकी है वाजिया बासा क्योंकि मैं सफर किया वै के राह च ये तो त्रै चीजा सुनने की आई चौथी चीज नहीं सुनने की आई ए जिस तरह के सफर कर रहे हैं ते कुसै ए कोई ये बंदा ए किया नहीं आना कि खलो पानी पिलां तुसा की खलो कुसै चीजा नहीं जरूरत है ते असा को लेनी जाओ मतलब बजाय इना को मंगने ने मंगो मैं आना ठीक है बंदे पैसे रखी दे लेकिन इना की ए कोई कि नहीं ए लफ्ज कौन ही सुनया कुदरे भी कि खलो पानी पी जाओ क्या समझो जेड़े साढ़े फैन मिले न स्पेशली सेंस अंदर या अगे क्या ना सी पलंदरी अंदर पाकिस्तान ने जात कश्मीर फेरिया ने लेकिन फैन बंदे मैं आज तक देखे भी नहीं ये हकीकत गल है कि हुण मैं पूरा आजाद कश्मीर फिरी चुकिया सेंसे ने लोका ना प्यार मोहब्बत तकिया ना तुसा की ओ तंग कर रहे जिथे मर्जी अपन बिल्कुल भेडां दी ते गल छोड़ो ना भेडां दा तो ना बे नहीं आने जरा उधर मारो उधर जिड़ी उन्हां दी खलाक है मैं आना उन्होंने खलाक ना जिड़े मेजबान नवाज ने ओ उन्हां दी उस गल नहीं कोई मैं सिफत उन्हां दी कर ना सकना ने जितने अच्छे ने ओ पलंदरी तू पिछा साल नाल एक वाकया होया कि असां नहीं आपा डां को बूटी खाई गईयां ते मरनियां शुरू होई गईयां ते एक बंदे क्या किता भाई असा रोटी खाने से खलते हो ते उधर भड्डा पियां मरन ना सही होश अपनी उस आजी कड़ो कड़ो इथो असा उसी आख्या एरा भड्डा पियां मर रियां ते एक काम ना कर ठीक है ए पलंदरी ने ना ली लेकिन उस बंदे ते चलो ज्याती कीती उसने अंदर एहसास नहीं सी के एक बंदे ने नुकसान होना ते ए का ए चीजा ए वक्ती आरजी ने दुनिया ने अपर जानवर दौलत माल ए फकत खत्म होने लिया चीजा इंसान आपे भी खत्म होने लावे ठीक है लेकिन उत्थे पलंदरी ने अंदर दो ऐसे फैन मिले नसा ने उना किस तरह दौड़ कीती है जी सर बड़ी दौड़ जी उन अपने कोलू जेड़ा मेरा माल बूटी नाल जेड़ा जख्मी आ उना इतनी जई मदद मेरे नाल कीती ने अपने कोलू जेड़ा उना खर्चा कीता ने जिड़ी उन्हें दौड़ बाजे अगे पिछे कीती नहीं मैं इन्होंने इतना जे खुद मालुक बंदा भी नहीं करना जितनी उन्होंने साढ़े नाल कीती नहीं ए उन्होंने असा प्यार मोहब्बत और शुक्रिया जा दा पे करन लगे हुए हाँ क्योंकि वह बंदे ठीक नहीं होने जेड़े किसी ने एहसान किसी ने खिलाक किसी ने प्यार जेड़ा ना वो उसकी जाहिर ना करन तो ठीक है तो मैं इस वजह तुसा सबन सामने इस चीज़ का जिक्र करना सा जड़िया इन्हों ज्यादतियां होनिया उन्होंने वाजिया ज्यादती जी है ना वो ये है कि काफ़ी जगह इन्होंने माल चोरी किया जाना है काफ़ी जगह इन्हों को जबरदस्ती माल खोया जाना वै अगर प्यार नाल ना खोया जाए तो जबरदस्ती अच्छी है असले ने जोर पर इन्हों को खोया जाना जेड़ा कि वाकया भी साढ़े नाल हो चुकया और त्री एक और चीज़ चौथी मैं नोट की है ये दसो कि तुसा तऊ बढ़ जाने रहे हो ये चुंगियाँ किड़े स्हाब है तुसा को लेने इस चुंगिया ना असा ना कोई असा इस चीज़ ना कोई इलम नहीं कानूनी तौर पर नहीं कहते हैं गुंडा जहाँ टैक्स में लगना ने क्यों ये कानूनी तौर पर हो अस मीरपुर तो चल के आने नहीं तो मीरपुर तो शुरू हो ना काम हो मुशरफबाद तो उपर उपर शुरू होना ने मार्बल तो बारे बल्कि उपर शुरू होना जगह मार्बल खास और उसने जगह मार्बल तो शुरू होना ने ता बाट तक जाई जाई तो चुंगियां कहते हैं हूँ हर स्टाफ तो मेरे जहन बच्चे इस टाइम ना नहीं आते ने तो किस तरह मतलब किस तरह उन्होंने जानवर लाया उन्हें 30 रुपया लाया ने भेड़ बकरी 100 रुपया लाया ने खचुरना ते ये जेड़े बकरवाल जेड़े जा रहे ने पिछा ए नीलम रोड ते ते इन्हां दा हुकूमतां पे बहुत बड़ा फायदा यानी कि इन्हां दी 4-5 हज़ार कचुर जेड़ी है सीजन बिच पोस्टर ते लगी काम करनियां ने फिर उस तो बाद जेड़े ने इन्हां दे माल में बेची जेड़े भेड़ बकरी है ये फौज का गोश्त जेड़ा जी है ये देने ने ठीक है जी ठीक है बहुत बड़ा फायदा भी है फिर चीज मैं हुकूमत अगर अर्ज करना चाहना या कोई बेहतर बंदा तुसा चू थोड़ा जा मशवरा दे या के इस पर रहनुमाई करे कि ये जेड़ा टैक्स चुंगियां लेने नीलम थू अगे अगे तऊ बट तक आया कि ये टैक्स केड़ी सूरत हिंदा जाना इन्हों को के ये वाकया ही हुकूमती टैक्स है कि 30 रुपये बकरी 100 रुपये खच्चर या के सिर्फ फकत अपनी जेब भरने वास्ते ये किता जाना वै उस घर ना कदे भला नहीं होया जिस घर ने विच राम ना माल पक्का है वाजिया मैं चीज़ आना
हमेशा अपने बच्चों ने पेटा चक लाल भरना चाहना है। ये गरीब बंदे मैं तकिया वै अपने खून साड़ी क्या खून एक तो होना अपनी मेहनत अपनी बाडी ने जोर लेकिन ये बंदे अपना खून साड़ी क्या एक एक लेला पालने न एक एक जानवर पालने न ते ओ जिहड़ा राह च इन्हां कोल चल चल पंजाब हज़ार टैक्सी नहीं कि ना वो ठीक है तो कह सकने इतने पुजने तक चार पाँच लख रुपया इसे तरह रोड़ ही छोड़न तो इन्हें की क्या बचत होवे चुहार कि या कि मैं समझ नहीं लगनी कि असा ने अंदरू एहसास कुत्थां मरी गया वै असा बजायर जबान पर कलमा भी पढ़ने आ लेकिन फिर भी असा ने जिथे दा लगना उत्थे असा दा लाने आ आया कि एक मुसलमान वास्ते ये चीज़ तो बनती नहीं सी कि दूए मुसलमान क्यों नुकसान पहुँचाए। इखलाक बड़ी चीज़ है जेड़ी कि मैं स्पैशली बहुत घट तकी है माजरत ने नाल माड़े नाल नहीं जिस बंदे की मैं अपना तारफ कराया उस अच्छे इखलाक नाल मिकी बुलाया वै बल्कि गया फौरन अपने घरों जाइए कोई चीज़ बनवाई आती ने जिन्हें नहीं मैं तारफ कराया कि मैं यूट्यूबर हाँ ये वो लेकिन इन्होंने बंद ने बारे ने बंद ने इखलाक मैं तकिया कि इखलाक नहीं ठीक 100 विचों 10% सिर्फ बंदे जड़े न इन्होंने बारे च इखलाक उन्होंने अच्छा या सीखा बुलाने अदर जड़े 90% बंदे ना तंज ना ले बकरवाला ओ आजिया ओ फुका नाम दोषा ये वो मैं आना कि बकरवाल ना मतलब है बकरियां वाला जड़ा बकरियां की पाल नाम है ठीक है खाना बदोश एक जगह तू दूई जगह सफर करने ला साढ़े पैगंबर भी बकरियां चराइया क्या इस्लाम ने हिस्ट्री चाहिए क्या तकी के लोग उस नज़र नाल असा इन्हों बंद की कदा ताना मीना ना मारी सकने तू या इन्हों की अपने तू अकीर ना तकी सकने इस्लाम ने विच ए चीज़ बिल्कुल कोनी कि अगर तुसा पैसा ज्यादा तो जिसको पैसा घट है तुसा उसी अकीर जानो ना अल्लाह ने अग्गे अगर सब बराबर न अगर अल्लाह की नज़र च कोई कुसा ना दर्जा है तो ईमान ना दर्जा जेड़ा बंदा नेक है जेड़ा बंदा इंसानियत वास्ते अच्छा वै इस वजह तो मैं बहुत ज्यादा खामियां नोट कीतियां असें ये खामियां दूर करनिया चाहिदियां ने इन्हां गरीब बंदियां की बजाय लुटने ने बजाय दो चीज़ा और मैं पाना भुली गया जेड़े फॉरेस्ट गार्ड हैं वह भी इन्हें की तंग कर रहे हैं जेड़े वाचर हैं वह एवं आखन जी असा किसी अधिकार चैक कराओ ये वाकया साढ़े हो चुके वै ठीक है तो मैं ये आना वा कि बिल्कुल अपने बच्चों ने पेटा ने आराम ना लुकमा ना पाओ हक लाल क्या कि इन्होंने खून परसीने की मेहनत होनी है ये हो गए एक बकरवाल कबीलिया मैं सफर कर रहा या होर हो गए बिल्कुल जुल्म ज्यादती ना करो और एक और चीज़ भी मैं इतने जाहिर कर सा इस वीडियो में कि ये इन्होंने ना बगड़ू है ये बकरवाल है मत समझे कि हर बकरवाल वो बगड़ू हो बकरवालों भी बंदे बड़े खराब हैं मैं इस गल की तस्लीम करना क्या कि माड़ा वाह हर किस्म ने बकरवाला ना पिया लेकिन बड़े बड़े अच्छे बड़े बड़े नफीस बड़े बड़े इखलाकी बकरवाल तके उन्होंने जिंदा मिसाल ए बंदा वै जिले किसी इंसान नाल सफर करो तो पता लगना वै कि वह बंदा की है जहा वै मैं इन्होंने सफर किया 2.5 महीने निका जहा टाइम नहीं आना वाह खुदा मैं जिथे पैसा लाने की कोशिश की है इन्हें मैं पैसा नहीं ला दिता हर जगह माड़े तू पहले इन्हें पैसा क्ढी गया असरा टेबल पर रखे और चाहे ऐसा कोई भी चीज़ हिंदी है मैं ढेर जोर मारना रहा वा और इन्होंने प्यार नहीं मैं आला मिसाल आई तुसा की दसना वा कि सब तू जो इन्हों को चंगे बिस्तरे चंगे कंबल आना वो जगह सब तू नर्म यानी कि सैने की जगह ये माड़े वास्ते बनाने रहे आपे माड़े बिस्तरिया ने भी सैने रहे सब तू चंगा खाना बनाई माड़े गै रखने रहे सब तू पहले चाह मिकी देने रहे मतलब कि इन्होंने मी ना रगा भी नहीं लगन दिती मी एक कंडा भी नहीं चुभिया 2.5 महीनों च मी ये नहीं पता लगा कि मैं अपनी फैमिली तो दूर हाँ मैं अपने माऊ प्यू तो दूर हाँ जिले मैं सफर शुरू करन लासा माड़ी फैमिली कतन राजी नहीं सी कि मैं ये सफर करा लेकिन मैं अल्लाह ने आसरे पर मैं सफर शुरू किया मैं तुम्हें दसना चाहना सा इन्हों की जिंदगी और नाल और खूबसूरती कि किस तरह सफर करने लेकिन मैं हिम्मत की फकत वो जात है जिसने कब्ज कुदरती तुसा नहीं तो माड़ी जान है उसने हुक्म तो बगैर पत्ता भी नहीं हिली सकना उसने हुक्म से इन्होंने बंदियां ना लछना और जड़िया इन्होंने ज्यादतियां होनी दसना मैं वाजिया करना चाहना दोबारा आना कि हर बंदा बगड़ू नहीं हो सकना ये तलक खाली सफर तक नहीं सी ये तलक जब तक इस अरफान ने सह चलने ये तलक बगड़ू साहब नाल कायम रह सन ते तुसा ने भी इंशाल्लाह मी यकीन है जी कि तलक कायम रह सी साड़ा ये साड़ा भरावां दा तलक एक फैमिली दा तलक बनी गया मैं वो बंदा ना कि मैं सोचा कि मैं यूट्यूबर हाँ मैं चार पैसे कमाना वा ये वो मैं किसी की अकीर समझा ना 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 सब तू अकीर मैं हाँ मैं उनका रिकॉर्ड आखना
सब तू अगर कम तर को बंदा तो मैं वहां माड़े तू सब बाला तारण सब नेक सब अच्छे सब तू कमजोर सब तू गुनागार मैं हाँ और मैं इन्हों जे बंद मैं आज ही की पसंद करना और आज ही की माड़ा रब भी पसंद करना वै ये मगरूरी बद इखलाकियां जुल्मो ज्यातियां चाहे ए चाहे कोई और है किसा नाल भी ना करो मैं अपने वास्ते भी ये मतलब के हदायत हासिल करना वा कि मैं भी किसी बंदे नुकसान ना पहुँचा अच्छे अखलाक नाल और नाल अपने तकने लिया की भी अगर तुसा ने जेड़े बंदे उन्हें की भी समझाओ अगर तुसा ने कोई दोस्त यार कोई और इस तरह जुल्म ज्यादती च मुलवस है स्पेशली ये बकरवाल कबीला बड़ा नफीस कबीला वै ठीक है इस कल्चर की जिंदा रखो ये कल्चर पे खत्म होने लगे है सिर्फ इन्हें जुल्म ज्यादतियां नहीं वजह तू कुसा जहा 50,000 टैक्स कुसा जहा लख कुसा जहा वाचर लुटना है कुसा जहा दूआ लुटना वै ठीक है बहुत ही जुल्म ज्यादतियां आसान अच्छी जड़िया हुई कुछ वाजिया कितियां तुसा ने सामने इंशाला अगू भी इन्होंने आवाज बनसा सफर साड़ा जारी रहसी ए तय सफर खाली इन्होंने नाल इन्होंने मंजिल तक सी अगू बगड़ू साहब ईदियों बाद जो सफर असा करना थोड़ा जहा यह दसो हाँ भाई बाकी इलाकिया ना जरा अस बाकी इलाका तो असा उन्होंने कर छड़िया नहीं जी इस तो भर जी हूँ जिथे जिथे तक तेरी ख्वाहिश है जी मेरा भी इरादा है जी जल्द तो जल्द मैं तो जी वो पूरा इलाके बेच तो मैं फिर टोर के जिथे जिथे मैं इलाका अच्छा लगना है जिथे मैं गया ने उस पूरा इलाके बेच तो मैं फिर सने इन्हें अपनी जिंदगी बहुत दुनिया तक ही है मिसाल है नॉर्थ पाकिस्तान हर जगह पूरा कश्मीर सो मैं इन्होंने एक प्लैन बनाया वै तुसा कि यह भी खुशखबरी देना जुला ईदियों बाद इंशाल्लाह एक अमेजिंग सफर नवी जर्नी नी स्टार्टिंग होसी इस तू बड़ी जर्निंग होसी हो इंशाल्लाह स्कूटर पर होसी घोड़िया पर होसी रंग बिरंगे अंदाजा च होसी रंग बिरंगिया जगह जिथे इंसान नहीं पुजी सके उत्थे तक पुजसा और नवे तू नवी तुसा कि इंशाल्लाह खूबसूरती दसा ये तुसे जर्नी की है जी लगी है कब्बा ना बड़ा प्यार मोहब्बत माड़े नाल रहा अगर तुसा ना प्यार ना होना मैं इत्थे तक ना सा पुजना अज मैं इत्थे तक पुजिया ये तुसा सब्बा ने प्यार मोहब्बत की वजह थू तुसा ने तकने लिया ने अथू असा दवा की दवावां याद रखिया है कोई गलती गुस्ताखी माड़े कोल होगी इन्हां कोलों कोई लफ्ज गलत बोलन गया पूरी इस जर्नी ने दौरान मैं माजरत खुआवां एक बार फिर आखसा कि इन्हां नाल जिहड़े जुल्म ज्यादती करने और रब कोलों डरो ठीक है तो किसी नाल भी जुल्म ज्यादती ना करो अल्लाह नहीं पकड़ बड़ी डाढ़ी है तो जिला वह पोड़ना तो फिर बंदा बची नहीं सकना क्योंकि सब खजानिया ना सब ताकतों ना मालक एक ही है साड़ा और रब है ठीक है जी अल्लाह सोने वाला है अपनी दुआ में याद रखिया है नैक्सट वीडियो ने इंशाला इंतजार करो बकरवाल जर्नी अज खत्म होगी है जनाब।